नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद संभल तहसील गुन्नौर क्षेत्र के नगर पंचायत कस्बा बबराला में गायत्री शक्तिपीठ पर 9 दिन से चल रहे सामूहिक यज्ञ का आज नवरात्रि के आखिरी दिन हुआ समापन। आज सामूहिक यज्ञ कर गायत्री शक्तिपीठ पर ही कराया कन्या भोज। गायत्री शक्तिपीठ बबराला में शहर से लेकर गुन्नौर के तमाम देहात क्षेत्र से भी श्रद्धालुओं की देखने को मिली भारी भीड़। बीते कई वर्षों से यह कार्यक्रम हर 6 महीने बाद किया जाता है। इस कार्यक्रम को शांति कुंज हरिद्वार की ओर से गायत्री शक्तिपीठ बबराला के सम्मानित श्रद्धालु सामूहिक तौर पर कराते हैं। समाचार ए टू जेड से बात करते हुए यह तमाम जानकारी गायत्री शक्तिपीठ के सदस्य नरेंद्र कुमार शर्मा ने दी। समाचार ए टू जेड के लिए संभल से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मैं नरेंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए, आज जैसे ये जो शक्तिपीठ है बबराला में जी, यहाँ पर नवरात्र का जो आज समापन है और यहाँ यज्ञ किया गया है, कन्या भोज भी कराया गया है, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, कुछ बताएं हमारी मीडियम के माध्यम से। जी हाँ, मैं जरूर बताऊँगा जी। ये हमारा लगभग 25 साल से नगर बबराला में हम लोग सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम करते चले आए हैं। हम लोग प्रतिपदा से लेकर और अष्टमी तक समूह साधना के रूप में, जगह जगह अनुष्ठान के रूप में पूरा परिवार, पूरा संगठन इसमें जुट जाता है और घर घर जाकर हम लोग मंत्र पूजन करा कन्याओं से कराते हैं और उनको नौमी वाले दिन सबको हम समूह रूप में बुलाते हैं। जैसा कि आज आप यहाँ देख रहे हैं, वो सारी कन्याएँ आती हैं, वो सभी नगर वासी भाई बहन आते हैं और सामूहिक रूप से यज्ञ करके कन्याओं को कन्या भोज करा के अपने को धन्य मानते हैं। इसमें हमारे पूरे नगर से भी है, जो कि हमारा ये शक्तिपीठ पिछले एक दशक से यानी अक्टूबर 2019 में यहाँ स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक ये निरंतर कार्य दिन दिन रात चौक नगर का चला जा रहा है। और ये जो है कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वो भी बढ़ रही है और तमाम यज्ञ यहाँ पर पहले भी आयोजन और बीच बीच में भी ये यज्ञों का आयोजन होता रहता है, तो आप क्या संदेश जो है जनता को देना चाहेंगे, क्या आप शक्तिपीठ की तरफ से, हरिद्वार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुदेव का कथन है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, तो मैं मानता हूँ कि वो शुरुआत अगर होगी तो मुझसे ही होगी। उससे मतलब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, यानी हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है तो मैं पहले अपने आप को बदलूँ, फिर अपने परिवार में उस चीज़ को थोड़ा सा जबरदस्ती तो नहीं लेकिन प्यार से अपने परिवार में वो नियम लागू करूँ और उसके बाद थोड़ा समाज के लिए सहयोग करूँ। और निश्चित मानिए जो गुरुदेव हमारे चाहते हैं, जिन्होंने कि बहुत बड़ी साधना करके ये गायत्री मंत्र को इतना सुलभ किया है कि आज कहीं भी व्यक्ति जब लेता है उसको 24 साल के उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष करके अपने को तपाया और इतना तपाया जो उम्र होती है आदमी की खेलने खाने की और घर बसाने की, उन्होंने 15 साल की अवस्था से लेकर और 40 साल की अवस्था तक वो 24 साल उसने बोल लिए अपने जीवन की, जिनके लिए लोग तमाम तरह के सरंजाम जुटाते हैं। ये जो विश्व अखिल विश्व गायत्री परिवार आप देख रहे हैं, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही चला जा रहा है, ये हमारे गुरुदेव तप का एक पुण्य है। जो व्यक्ति उनके नाम से खड़ा हो जाता है किसी कार्य करने के लिए, जैसा आप पूछ रहे हैं कि हम लोग क्षेत्र में भी काम करते हैं, यहाँ भी करते हैं, बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, तो पता नहीं भाई साहब ये शक्ति कहाँ से आती है और हमसे वो काम करा लेती है। हम लोग इस लायक नहीं ये कर पाएँ, लेकिन छोटे छोटे व्यक्ति बड़े बड़े कार्यक्रम करके अपने को धन्य अनुभव करते हैं।